नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश को लेकर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने अगले 25 सालों के ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करने की बात कही। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस बजट को लेकर। चमड़े के सामान सस्ता होने की बात कही है। कपड़ा जो है वो सस्ता होगा, मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेज के साथ साथ जो है कई चीज़ें जिसमें कि खेती के सामान जो है वो सस्ता होने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पॉलिश जो हीरा है वो सस्ता होगा। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अब तक के भाषण को लेकर अगर जो बात कही गई उसमें यह कहा गया कि यह जो है उनके द्वारा दी गए बजट में जो है यह सबसे छोटा भाषण रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना के साथ साथ यह भी कहा गया कि एनपीएस में जो है अब 10% की जगह अब 14% जो है योगदान सरकार की तरफ से होगा। इसके साथ साथ कॉरपोरेट टैक्स को जो है 18% से घटाकर 15% रखने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ सर चार्ज को जो है 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा गया। यह भी कहा गया है कि इससे सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिससे कि गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न का अपडेट करने में सुविधा हो। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया यानी कि 2022-2023 में लागू करेगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी में होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ वर्चुअल करेंसी पर 1% का TDS भी काटा जाएगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का एक बड़ा कदम है, जिसमें वो कहा है कि ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। ब्लैक चेन तकनीक से डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-2023 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। 2022 से ही 5G सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन एंड फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार की यह सोच है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें। अब गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस को बढ़ावा देने की बात जो है वो कही गई है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25% और R&D के लिए रखा गया है। एकदम कहले कि 25% की जो बढ़त की गई रक्षा क्षेत्र में वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर की गई है। इधर सेज के जगह पर एक नया कानून लाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सौर ऊर्जा उत्पाद के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अगर हम कोरोना से पहले काल को अगर हम देखें, इसी भारत सरकार की यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल को, तो वो सौर ऊर्जा को लेकर पूरे विश्व में अग्रणी स्थान पर रही है काम करने को लेकर। ऐसे में इस बार का जो बजट है उसमें भी 19,500 करोड़ रुपये जो है इसमें देने की बात कही गई, ताकि जो है भारत जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो एक नई ऊंचाइयों को हासिल कर सके। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। ये जो है एक अहम बात जो है इस अगर हम बजट को लेकर कहें तो इसमें ये कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देश के 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की जो है वो बात कही गई है, ताकि जो है ग्रामीण इलाकों में जो है जो किसान हैं खास करके वो जो है वो बैंकों के माध्यम से जुड़ सकें और अपना जो है निवेश कर सकें। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर हम जो बातें कही गई 75 जिले 75 बैंकिंग यूनिट की, इसमें यह भी कहा गया कि लोग जो है डिजिटल भुगतान कर सकें, डिजिटल माध्यम से जो है लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा, ये भी एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपस में पैसों का लेन देन होगा। पीएम आवास योजना 2022-2023 में 80 लाख घरों
को जो है ये मुहैया कराई जाएगी, यानी कि इस योजना के तहत जो है 80 लाख घरें जो है वो बनाई जाएगी। ये भी भारत सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक माना जा रहा है। अगर हम बिहार के लिहाज से देखें तो बिहार सरकार ने हाल ही में जो है अपने सर्वेक्षण बैठक में साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी योजनाएँ हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई आवास को लेकर, वो जो है जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। तो आज के जो बजट सत्र है उसमें साफ तौर पे इसको देखा जा रहा है। हर घर नल जल को लेकर 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया गया इस बजट के दौरान। ये रखा गया है कि 5.5 करोड़ घरों में, यानी कि देश के 5.5 करोड़ घरों में जो है ये पानी नल जल योजना के तहत पहुंचाने की बात कही गई है। बिहार सरकार इसमें पहले से ही काम कर रही है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जो है वो भारत सरकार ने अपने बजट से जो है दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि LIC का IPO जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। साथ ही साथ PM गति शक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और को बढ़ावा दिया जाएगा। आप एक तरह से देख लें कि 50,000 किलोमीटर जो है वो नई सड़कें बनाने की बात जो है वो कही गई है। और इस बजट सत्र में जो है इस तरह का हम देख रहे हैं कि PM गति शक्ति के जरिए राजमार्गों की बात जो की गई, इसमें वो सड़क मार्ग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ रेलवे को लेकर भी जो है कई अहम बातें जो है सामने आई है। PPP मॉडल के जरिए 4 जगहों पर 2022-2023 के दौरान रेलवे नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सकेगा, इसके काम किया जा रहा है। 60 लाख नई नौकरियां देने का बात भी जो है इसके तहत कही गई है। साथ ही साथ अगर हम देख लें इस आज के जो बजट सत्र निर्मला सीतारमण के द्वारा जो किया गया, उसमें जो अहम चीज़ें जो लोगों के दिमाग में थी वो टैक्स स्लैब को लेकर थी। तो पिछले साल अगर हम बजट सत्र को देखें तो उसमें भी जो है टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव जो है वो नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार भी जो है टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो चीज़ें सस्ती की गई है उसमें लोगों की उम्मीद थी कि AC, फ्रिज, TV इन सब चीज़ों में भी जो है वो सस्ता किया जा सके, लेकिन इन सब चीज़ों में जो है कोई बदलाव नहीं किया गया। खासकर जो चीज़ें सस्ती की गई उसमें चमड़े के सामान है वो सस्ता हुआ है, कपड़ा जो है वो सस्ता हुआ है, मोबाइल चार्जर वो सस्ते हुए हैं, मोबाइल लेंसन जो है वो सस्ता हुआ, साथ साथ खेती के जो सामान हैं वो जो है सस्ता किया गया है, साथ ही साथ जो पॉलिश्ड हीरा है वो सस्ता किया गया। एक तरह से देख लें कि अगर हम इस बजट को देखें तो इसमें गांव को लेकर जो है सरकार की तरफ से एक रुख है जिसमें वो ब्रॉडबैंड की बात करते हैं। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें जैसे खरीफ फसलें हैं, फसलों के उत्पादन को खरीद को लेकर जो है सरकार ने एक अलग नया कानून बनाने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम खरीफ फसलों को भी जो है खरीदेंगे। अब तक धान गेहूँ की खरीद की बात होती रही है, तो ऐसे में जो है मोटे अनाजों की भी खरीद की बात जो है कही गई है और उसमें अलग से जो है रकम देने की बात कही गई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो बात सामने आई और विश्व के साथ साथ देश के बाजारों में जो है क्रिप्टो करेंसी की बड़ी डिमांड रही, तो ऐसे में जो है भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे फिर 30% चार्ज जो है वो लगा दिया है। तो ऐसे में अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा रहे हैं तो उसका 30% भारत सरकार काट लेगी। तो एक तरह से कहें कि इस बजट में कई अहम चीज़ें थी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और सरकार ये मान रही है कि आने वाले 25 सालों में जो है इसी तरह के आम बजट पर जो है वो काम करेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।